पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ में ईद के मुबारक मौके पर मुस्लिम पंचायत झाबुआ द्वारा प्रशासन के गाइडलाइन अनुसार ईदगाह पर जाकर नमाज अदा की गई। महज 6 लोगों ने समाज के लिए परंपरागत तौर पर स्थानीय ईदगाह पर नमाज अदा की और देश में अमन और शांति की और कोरोना वायरस पूरी तरह से दुनिया से खात्मा हो जाए इसकी दुआ की। ईदगाह पर मौलाना गुलाम नबी रिजवी द्वारा अदा की गई। इस अवसर पर केवल 6 लोग ईदगाह पर मौजूद थे। भीड़ होने के अंदेशे से पुलिस अमला भी वहां मौजूद था, लेकिन मुस्लिम पंचायत ने मिसाल कायम करते हुए 6 लोगों के साथ नमाज अदा की और मौलाना साहब ने देश में अमन शांति का संदेश दिया। ब्रदरन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि तुम नमाज पढ़ो और उसकी रजा के लिए कुर्बानी करो। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नमाज ईदुल अज़हा को अदा किया है और जो कानून हैं, जो कवानीन बनाए गए हैं, उसके उसूल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी का पालन करते हुए, प्रशासन का पालन करते हुए यहाँ नमाज ईदुल अज़हा की नमाज को हमने अदा किया और 5 लोगों ने अदा किया है। और हमने यहाँ देश के लिए दुआ की है, सलामती की दुआ की है और कोरोना से नेस्त नाबूद की, दुनिया भर से कोरोना की नेस्त नाबूद की दुआ की है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब के सदक़े हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमाए और दुनिया भर से इस बीमारी को नेस्त नाबूद फरमाए। और जो रब की रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, मौला ताला उन तमाम की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए, उनको उसको बख्शिश व नजात का ज़रिया बनाए।